can has the potential of the UN to do the good that it can do to all of humanity, not for the bureaucracy that exists there. I wanted to see how we can use the platform of the UN to engage the religious leadership in a global call and to see how they can strengthen the work of the UN. सेकंड के लिए डीप साइलेंस में प्यारे परमात्मा के याद में देख रही हूँ कि हर एक के दिल के अंदर आज प्यारे परमात्मा जिसको अल्लाह ईश्वर गॉड एक को कहते हैं, इस यूनाइटेड नेशन में उसका आह्वान देख दिल में महसूस हो रहा है। दुखहर्ता शांति दाता प्यारा बाप, आपका हमारा सबका दिलों का आवाज सुन रहा है। जब हम नमस्ते करते हैं, निशानी है एक ईश्वर को याद करके नम्रता भाव से, सच्ची दिल से। हम सबका एक आवाज है, हम सब धर्म वाले जाति रंग भेद से परे होकर के, हे ईश्वर तू मेरा चाहे सबका बाप है, हम सब मिलकर करके सत्यता की शक्ति को लेकर दुनिया से दुख और शांति को मीठे प्यारे परमात्मा बाप की हमारे में ये उम्मीदें हैं। इंसान अगर सच्चाई की शक्ति धारण करे तो संसार शांतिमय बनना बड़ी बात नहीं। तो आज के वातावरण को देख मेरे ख्याल में एक सेकंड में मेरे परमात्मा बाप नज़र के सामने भूला नहीं है, घूम रहा है, देख रहा है, कैसे सबके दिलों का आवाज़ सुन रहा है। सब मिलकर के एक हो करके हे प्रभु आपके शक्ति से, सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से हम खुद एक एक इंडिविजुअली प्रतिज्ञा करेंगे सहनशीलता और अहिंसा से, हम विश्व में शांति फैलाएंगे। ये शब्द कह करके भाषा भले हमारी हिंदी पर, दिल से आप मेरी भावना को समझ कर, मैं चाहती हूँ इंग्लिश में थोड़े शब्द सुन करके आप समझ करके पूरी शांति परमात्मा बाप से ऐसी हम आज के इस वातावरण में अंदर में दिलों के अंदर ऐसी शांति फैलाएंगे जो आज के दिन की शांति का वाइब्रेशन विश्व में चले जाए। ओम शांति। इन एसेंस द मैसेज दैट दादी जानकी हैज बीन शेयरिंग इज दैट हियर इन द यूनाइटेड नेशंस आई एम सीइंग हाउ पीपल ऑफ ऑल द डिफरेंट ट्रेडिशंस व्हाटएवर नेम इट इज दे नो गॉड बाय एंड कॉल गॉड बाय हैव बीन इनवोकिंग गॉड. And the one who is the remover of sorrow and the bestower of happiness is also seeing this deep love in our hearts and the desire to bring about peace. It is with humility and truth
that truly there can be peace here on earth again. When I say namaste, it is the symbol of all of us coming together and with humility bowing to each other, because it is with this tolerance power and this humility and the power of truth that truly there can be peace. Let us share just a moment of silence together to invoke that supreme and to bring peace on earth. Om Shanti. एक सेकंड के लिए डीप साइलेंस में प्यारे परमात्मा के याद में देख रही हूँ कि हर एक के दिल के अंदर आज प्यारे परमात्मा, जिसको अल्लाह ईश्वर गॉड एको कहते हैं, इस यूनाइटेड नेशन में उसका आह्वान देख दिल में महसूस हो रहा है। दुख हरता शांति दाता, प्यारा बाप, आपका हमारा सबका दिलों का आवाज सुन रहा है। जब हम नमस्ते करते हैं, निशानी है एक ईश्वर को याद करके नम्रता भाव से, सच्ची दिल से। हम सबका एक आवाज है, हम सब धर्म वाले जाति रंग भेद से परे हो करके, हे ईश्वर, तू मेरा चाहे सबका बाप है, हम सब मिलकर करके सत्यता की शक्ति को लेकर दुनिया से दुख और शांति को मीठे प्यारे परमात्मा बाप की हमारे में ये उम्मीदें हैं। इंसान अगर सच्चाई की शक्ति धारण करे तो संसार शांतिमय बनना बड़ी बात नहीं। तो आज के वातावरण को देख मेरे ख्याल में एक सेकंड में मेरे परमात्मा बाप नज़र के सामने भूला नहीं है, घूम रहा है, देख रहा है, कैसे सबके दिलों का आवाज सुन रहा है। सब मिलकर के एक हो करके, हे प्रभु, आपके शक्ति से, सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से हम खुद एक एक इंडिविजुअली प्रतिज्ञा करेंगे सहनशीलता और अहिंसा से। हम विश्व में शांति फैलाएंगे, ये शब्द कह करके। भाषा भले हमारी हिंदी पर, दिल से आप मेरी भावना को समझ मैं चाहती हूँ, पर इंग्लिश में थोड़े शब्द सुन करके आप सम्मिल करके पूरी शांति परमात्मा बाप से ऐसी हम आज के इस वातावरण में अंदर में दिलों के अंदर
ऐसी शांति फैलाएंगे जो आज के दिन की शांति का वाइब्रेशन विश्व में चले जाए। ओम शांति। In essence, the message that Daddy Janki has been sharing is that here in the United Nations, I'm seeing how people of all the different traditions, whatever name it is they know God by and call God by, have been invoking God. And the one who is the remover of sorrow and the bestower of happiness is also seeing this deep love in our hearts and the desire to bring about peace. It is with humility and truth that truly there can be peace here on earth again. When I say namaste, it is the symbol of all of us coming together and with humility bowing to each other, because it is with this tolerance power and this humility and the power of truth that truly there can be peace. Let us share just a moment of silence together to invoke that supreme and to bring peace on earth.